मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हैं। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा जयचंद बताया। उनकी इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को बुरा लग जाता है, मैं बुजुर्ग लोगों को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन देश के जयचंदों में सबसे बड़ा नाम है दिग्विजय सिंह, जो मोहन चंद की शहादत पर कहते हैं ये एनकाउंटर फेक है। दिग्विजय सिंह ने जाकर आतंकवादी का सम्मान किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में फांसी की सजा दी। अभी धार के भोजशाला के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया AIC सर्वे करे, और सर्वे के अंदर यहाँ मस्जिद थी या मजार थी या सरस्वती माँ का मंदिर था, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट पेश करे। उससे पहले ही दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होने लगा। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में यह गलत किया है। मैं दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ कहता ज्यादा इसलिए नहीं हूं क्योंकि थोड़ा उनको बुरा लग जाता है और हम बुजुर्ग लोगों को थोड़ा आहत नहीं करना चाहते। देश के जयचंदों की भूमिका में सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह है। इस देश के अंदर जो मोहनचंद शर्मा की शहादत पर एक है कि आतंकवादी का सम्मान करने जाए, पूछिए दिग्विजय सिंह से कि मोहनचंद शर्मा की शहादत पर उन्होंने कहा कि एनकाउंटर फेक है और दिग्विजय सिंह ने जाकर के आतंकवादी का सम्मान किया जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने यह तो नहीं कहा कि ये तय कर दो गए मंदिर है। उन्होंने कहा ASI सर्वे करे, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट दे। लेकिन दिग्विजय सिंह के पेट में कीड़े दौड़ने लग गए, पेट में दर्द होना शुरू हो गया और कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने आदेश जो दिया है वो गलत दिया है। अरे आप उच्च न्यायालय भी आप ही बनोगे, सर्वोच्च न्यायालय भी आप ही बनोगे। और मैंने तो सुना है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ABM से नहीं बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? आप देख रहे हैं दखल न्यूज।